यस फ्रेंड्स, तो हम ये जो स्क्रीन पर दिख रही है प्रॉब्लम, इसको करेंगे। एबी कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स, सेवरल स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इट हैज एक्वायर्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्स। कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर गिवन एज अंडर। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन रिवेल्युएशन। टेक्नोलॉजी कॉस्ट है 25 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल है 7 लाख रुपए, टारगेट वॉल्यूम है 2000 यूनिट एट 25% कैपेसिटी। अंडरलाइन कर रखा है इसे, फिर से अंडरलाइन कर ले। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है 3 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 24%। सजेस्ट दी प्राइसिंग प्रोडक्ट्स एज न्यू वन, स्टेबलिश वन। प्रोडक्शन रखा है हमने 80% कैपेसिटी पे, ठीक है, 80% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन रखा है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। दो डिपार्टमेंट लग रहे हैं इसके अंदर, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, तो यहां पर आ जाएगा टोटल। देखें, डिपार्टमेंट ए का जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो है 240, और डिपार्टमेंट बी का है 200, तो यानी कि 440 रुपए का तो आपका मटेरियल लगेगा। डिपार्टमेंट ए की जो डायरेक्ट लेबर है वो कितनी है, 2 आवर्स है एट द रेट ऑफ 120, तो 2 × 120, तो ये 240, और 3 × 100, ये 300, 540 रुपए की लेबर लगेगी। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 50 60 रुपए पर आवर है, तो 2 × 60 120, और 3 × 40 120, 240 रुपए की आपकी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 50 और 30 है, 2 × 50 100, एंड 3 × 30 90, तो 190 रुपीज की आपकी वेरिएबल ओवरहेड होगी। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड देखिए, इन्होंने बोला था टारगेट वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम था मेरा कितना, 2000 यूनिट का, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए, तो पर यूनिट में अगर हम निकालेंगे तो ये माना जाएगा कि 2000 यूनिट पे 3 लाख रुपए लगेंगे, किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं है, टोटल। तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 1320, ये आपकी टोटल अमाउंट हो गई जो वेरिएबल कॉस्ट आई है हमारी। अब वह फिक्स कॉस्ट की बात करें, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ
फिक्स कॉस्ट देखिए 25% कैपेसिटी जो है वो क्या बताती है, 2000 यूनिट। सो 100% जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 2000 डिवाइडेड बाई 8000 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए आप फिक्स कॉस्ट जो निकलेगी डिपार्टमेंट ए की आएगी 8000 यूनिट इंटू 2 आवर्स इंटू 60, और डिपार्टमेंट बी की आएगी 8000 यूनिट इंटू 3 आवर्स इंटू 40, 9,60,000, 9,60,000। ये 19,20,000 हो गया। ठीक है, तीसरा वर्किंग नोट बनाएंगे हम, ये कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट। तो हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी है हमारी 68 लाख की, फिक्स कैपिटल कितनी लगेगी, 25 लाख, और वेरिएबल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है, 100 लाख की। रिटर्न कितना मांगा गया है, 24%। सो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा, 24 लाख। क्लियर, सो इफ द प्रोडक्ट इज न्यू वन, अगर प्रोडक्ट नया है, मिनिमम सेलिंग प्राइस मे बी वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1 through 2 0। अगर प्रोडक्ट नया है तो हम वेरिएबल कॉस्ट में भी बेच सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश वन, देन सेलिंग प्राइस वुड बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 1,320। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 19,20,000 अपॉन 8,000 का 80%,
एंड डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा? 24,08,000 का 80%। 8,000 का 80% क्यों बोला गया है? देखिए 8,000 तो आपकी 8,000 जो है वो आपकी 100% कैपेसिटी है। ऑपरेटेड कैपेसिटी जो है वो आपकी 80% ही है। सो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 1995। समझ गए आप कि अगर प्रोडक्ट नया है तो, जब प्रोडक्ट नया है तो आप भाई कम पर भी बेच दो, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसी पर बेच दो। लेकिन अगर प्रोडक्ट पुराना हो गया है तब आप क्या करेंगे, आप उसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट तीनों ऐड करेंगे। ठीक है,